बीवी बोली दिला दे मुझे हरी हरी चूड़ियाँ, बाजार में पहुँचकर छोड़ा पति का साथ, थामा प्रेमी का हाथ और हो गई रफू चक्कर। कर्नाटका, शर्मनाक, गटर में बहते मिले 5 डिब्बों में बंद 7 भ्रूण, पुलिस ने किया मामला दर्ज। असम बाढ़, असम में बाढ़ से 33 लाख लोग प्रभावित, हजारों हाईवे किनारे तंबुओं में रहने को मजबूर। महाराष्ट्र सियासी संकट, मंत्रियों ने 4 दिन में जारी किए हजारों करोड़ रुपए के सरकारी आदेश, शिंदे की बगावत विदेशों में भी हिट। मध्य प्रदेश थाना प्रभारी ने पुलिस कंट्रोल रूम में महिला अफसर को गोली मारी, बाद में की खुदकुशी। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया, हाल ही में एक ऑपरेशन में कोकराझार पुलिस ने 447 किलोग्राम गांजा जब्त किया और दूसरे राज्य के 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। कोविड-19, साउथ अभिनेता नंदमुरी बालकृष्ण हुए कोरोना संक्रमित, फैंस ने की जल्दी ठीक होने की कामना। भारत में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 15,940 नए मामले सामने आए, पिछले 24 घंटों में कोरोना से 20 लोगों की मृत्यु हुई। G7 शिखर सम्मेलन, पीएम मोदी आज जर्मनी के लिए होंगे रवाना, पेंटागन सचिव किर्बी बोले, हमारा मकसद सभी को एकजुट करना। अमित शाह, गुजरात दंगों को हमेशा राजनीतिक चश्मे से देखा गया, मैंने पीएम मोदी के दर्द को नजदीक से देखा, इंटरव्यू में बोले अमित शाह। राष्ट्रपति का चुनाव, यशवंत सिन्हा ने मोदी और राजनाथ से मांगा समर्थन, आडवाणी से आशीर्वाद, सोमवार को भरेंगे नामांकन। महाराष्ट्र में सियासी संकट, सरकार और पार्टी बचाने की आखिरी कोशिश में जुटे उद्धव ठाकरे, कहा बगावत के पीछे भाजपा। उद्धव ठाकरे को एकनाथ शिंदे की चिट्ठी, 38 विधायकों के परिवारों के सदस्यों की सुरक्षा दुर्भावनापूर्ण रूप से वापस ली गई। एनडीए की राष्ट्रपति उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन देगी बसपा, मायावती ने किया ऐलान। मेरे पास हवाला का पैसा कहाँ है, कांग्रेस की कर्नाटक इकाई के प्रमुख डीके शिवकुमार का दावा। बंगाल, टीएमसी महासचिव बोले सुवेदु अधिकारी को तुरंत हिरासत में ले सीबीआई, सारदा घोटाले के पीछे बड़ी साजिश। रणवीर सिंह, टाइम पास डे होना चाहिए मेरा बर्थडे, एसी में रहने की आदत छोड़नी जरूरी, बोले रणवीर सिंह।